फैली मौसमी बुखार और वायरल फीवर को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें कई बिंदुओं को शामिल किया गया। जिला मुख्यालय पर पहुंचे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी यहां उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपने के लिए पहुँचे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष पुनीता शास्त्री के नेतृत्व में पहुँचे इन पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जनपद में डेंगू बुखार प्लेटलेट्स कम होने की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों की संख्या में लोग बुखार से पीड़ित हैं, जो प्राइवेट डॉक्टरों से जनपद व जनपद से सटे जनपद फिरोजाबाद आगरा के निजी अस्पतालों में अपना उपचार करा रहे हैं। सरकारी व्यवस्थाएं निष्क्रिय हैं। सरकार व मैनपुरी प्रशासन डेंगू बुखार रोकने में पूरी तरीके से असफल है। जनपद के कई गांव, बस्तियां, नगर आदि में डेंगू का प्रकोप है। डेंगू की चपेट में जनता बुखार के कहर से भयभीत है। गरीब जनता कर्ज लेकर अपने जेबरात बेचकर अपने परिजनों का इलाज कराने पर विवश है और सरकार बुखार के मामलों को दबाने का काम कर रही है, जिसकी वजह से ब्लड जांच में प्लेटलेट्स की रिपोर्ट तो दी जा रही है, लेकिन डेंगू पॉजिटिव की रिपोर्ट बहुत कम दी जा रही है, जबकि डेंगू पॉजिटिव की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। ऐसी स्थिति में जनहित में राज्यपाल महोदय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ज्ञापन देने पहुँचे जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष पुनीता शास्त्री ने क्या कुछ बताया है, ये जरा आप भी सुनिए। डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे, किस संबंध में ज्ञापन देने आए थे? आज जो जिले में डेंगू के चलते ये समय में बहुत लोग परेशान हैं, किसान भाई हालत खराब है पूरे देश की और सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में लोग बहुत ही मौतें भी हो चुकी हैं, क्षेत्र में गांव भी कुछ ऐसे हैं जहाँ भी लोग बहुत जाने भी जा चुकी हैं, लेकिन सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। कर्ज लेकर भी इलाज करवाते हैं, लेकिन फिर भी कोई उपचार सही टाइम से नहीं मिल रहा है। लोग किसान भाई बहुत परेशान हैं और इसके बीच ही सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार और सरकारी हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है। लोग इसी के उसमें हमने आज